आज की हमारी कहानी है दो दोस्त की कहानी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया। ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। अब वह बड़े शंख की तलाश में लग गया। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। उसे बड़ा शंख तो नहीं मिला, बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे, उन शंखों को भी उसने फेंक दिए। उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। जब रात होने लगी तो दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था, उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था, उसके उसे 1,000 रुपये मिले, और जो छोटे छोटे शंख थे, उसके उसे 3,000 रुपये मिले। ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो मेरे पास भी इससे ज़्यादा पैसे होते। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे, उन्हीं को मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे 3,000 रुपये मिले। और ये जानकर दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो गया। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हर छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर ही फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरा दोस्त सिर्फ बड़े पर ही फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, और जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, वहां उसे 1 भी रुपया नहीं मिला। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।